उन सरदार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पांच माओं के बच्चे बचाए, सात बच्चों की जो माएँ हैं उनके उनको कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा उनको सदमा होगा, उनको उनकी उनकी तरफ से मैं सरकार से अपील करता हूँ उन्हें खास करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो ओनर है उसका मालिक है। सच्चाई के साथ वहाँ तक बात पहुँचाई जाए और इसकी पैरवी की जाए सच्चाई के साथ, और जो हमारे सभी का जो दुख है उसे आप कैसे जाहिर करेंगे वो तो आप करेंगे। पता भी नहीं था, सुबह न्यूज़ देखी मैंने 11 बजे, तो जब न्यूज़ के अंदर दिखा वहाँ का, फिर मैंने इन्हें कॉल करा, मैंने कहा बेटी के पास गए हो आप नहीं गए, तो ये कहने लगे बेटी के पास मैं भी नहीं गया, मैंने कहा न्यूज़ देखो आप पहले, मैंने इन्हें डायरेक्ट बताई नहीं। अल्लाह को प्यारे हो गए सात बच्चे, जिसमें ना कोई हिंदू मुसलमान इससे कोई जिक्र नहीं है, सब जो सब बच्चे मरे हैं वो सबके माँ बाप सब एक बराबर हैं, ठीक है, उसमें से सात दो बच्चों के माँ बाप की तरफ से अपील करता हूँ मालिक बेबी कर के उनको फांसी की सजा दी जाए। दिल्ली के विवेक बिहार में शनिवार को रात करीब 11 बजे जो बेबी केयर सेंटर में आग लगी उसमें सात बच्चों की मौत हुई और 14 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जिन सात बच्चों की मौत हुई वो GTB नगर का ये शवगृह है, यहाँ पर लाए गए हैं तो उनकी शिनाख्त की गई है, हमारे साथ परिवारीजन मौजूद हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। माता पिता का ये कहना है कि रात को आग लगी 11 बजे पर उन्हें सुबह जब न्यूज़ चैनलों पर प्लस ऑनलाइन मीडिया के थ्रू पता चला कि अस्पताल में आग लगी, तब जाकर वो बच्चों को, क्योंकि वहाँ अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, अभी वो आए हैं और ये घटना रात को 11 बजे की है। अभी आज शाम का लगभग मान लीजिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:30 बज चुके हैं, अभी तक शव नहीं मिले हैं, पोस्टमार्टम जारी है, शनाख्त की गई है, दादा है हमारे साथ, एक बच्ची है उनके, आप और ये हमारे बड़े पापा हैं बच्चे, आपका नाम क्या है? मैं नाजिम चौधरी है, मैं ताऊ हूँ, क्या नाम है जो बच्ची की डेथ हुई है मैं उसका ताऊ हूँ, नाजिम चौधरी जी। जी सर, आपको ये कब पता चला है नाजिम जी के बच्ची वही अस्पताल में आग लगने वाली? ये मेरे भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, हाँ ये छोटा भाई है जो जिसकी बेटी है अंजार चौधरी, जिसकी बेटी है, इनने कहा कि क्या नाम है मेरे दोस्त ने फ़ोन किया है कि बेबी केयर में ब्लास्ट हो गया। कितने बजे की बात है ये? करीब 12 बजे की बात है, आज 12 बजे की हमें सुबह फोन, हमें रात में कोई हमें कोई खबर नहीं दी गई अस्पताल से तरफ से, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, अभी तक कोई कॉल नहीं है हमारे पास अस्पताल से, ठीक है, तो 12 बजे कहा उन्हें दोस्त दो इसका फ्रेंड है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर तो ब्लास्ट हो गया है, तुझे पता नहीं अपने बच्चे के बारे में जहाँ तेरी बच्ची भर्ती है, इन्हें कहा नहीं क्योंकि वहाँ पर तो ब्लास्ट हो गया है, तो इसने मुझे बुलाया और मैं हम दोनों जब भी भागे यहाँ पे भागे आए तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे तो स्थिति बहुत गंभीर थी, चार तब काला हुआ पड़ा है, सिलेंडर बिखरे पड़े हैं और ब्लास्ट हुआ है, मकान की चीथड़े उड़े हुए हैं बिल्कुल, तो हमने जाके हमें पुलिस ने हमें न्यूज़ वालों ने हमने बताया न्यूज़ वालों को, उसके बाद न्यूज़ वालों ने हमें हमारे सब ने ली जानकारी, उसके बाद बरबर में अस्पताल है कि आप वहाँ पर चलिए, कोई मंत्री आए हुए थे वहाँ के, पार्षद आए हुए थे वहाँ के विवेक विहार के, वो हमें साथ ले गए अस्पताल में कि आप यहाँ पर आइए, आप देखिए इसमें तो कोई बच्चा नहीं है, हॉस्पिटल हाँ बराबर में ही है, बराबर में विवेक विहार में, उसकी जानकारी तो नहीं है क्या नाम है अस्पताल का, तो उसमें हमें ले गए वो, तो वहाँ पे दिल्ली चाइल्ड केयर हॉस्पिटल पर जो इंक्वायरी जो काउंटर होता है उन्होंने कहा कि नूरजहां का नाम से यहाँ पर कोई बेटी यहाँ पर नहीं है, आप GTV में जाइए और GTV में जाके आप जानकारी लीजिए, वहाँ पे कुछ बच्चे भर्ती हैं, तो वो उन्हें पता था कि जो बच्चों की डेथ हो चुकी है वो GTV में आ चुके हैं, मुझे SHO साहब वहाँ के जो क्या नाम है उस पर मौजूद थे जो वहाँ के SHO है विवेक बिहार के, उन्होंने मुझे बताया अकेले में ले जाके पे हम आपके फादर के आपके भाई के सामने नहीं बताना चाह रहे, आपके जो आपकी भतीजी है वो एक्सपायर हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, मुझे वो साइड में ले गए कि मैं माहौल अभी गमगीन है और हम अभी ऐसे सामने नहीं बताएंगे, आपको मैंने बता दिया है आप जाइए वहाँ पे, फिर मैंने निजी वालों से बात करी और सबसे उनसे बात करी, ऐसे ऐसे हमारे हादसा हुआ, उसके बाद जब हमें जानकारी मिली तो हम यहाँ पे ले गए, ये गोपाल है ना गुप्ता नर्सिंग होम है, वहाँ से 85,000 रुपये तो ऑपरेशन में ले लिए उन्होंने हमसे। ये कब ऑपरेशन हुआ? 15 तारीख को, 15 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ था गुप्ता नर्सिंग होम में, माँ से 85,000 जो मौजूद है वो उसने 85,000 रुपये ऑपरेशन लेने के बाद कहा बच्ची के मुंह में गंदा पानी चला गया है, उन्होंने वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई बेबी केयर वालों की और बच्चे को इसे फ़ोन कर दिया, ये लेके माँ वो बच्चा, उन्होंने कहा 36 घंटे में बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, 36 घंटे में वहाँ पर रहेगा बच्चा और ठीक हो जाएगा, वेंटिलेटर पर जाते बच्चे को लिटा दिया, उसके बाद पाइप भी दुनिया भर के लगा दिए उसके, और जब से ही 12 दिन से लगातार हम दोनों भाई आ रहे हैं क्या नाम है 4 बजे से 4 बजे कभी 2 बजे और मिलके चले जा रहे हैं, और उसका जो खर्चा है 15,000 रोज का और ब्लेड अलग से ब्लेड में लेके आता था वहाँ से तुम्हारे गाजीबाद से, तो कहने का मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उसकी ब्लेड वाले की भी जाँच होनी चाहिए, उनने मुझे 2,000 रुपये की स्लिप दी और 3,000 रुपये मुझसे लेता था वो,
लाइफ लाइन के नाम से गाजियाबाद के अंदर, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये मिली भगत लगती है इनकी, ब्लड वालों की भी। और एक दूसरी जगह से मैंने ली तो वहाँ पर 600 रुपये का पाउच मिला, वहाँ पर वो दे रहे थे मुझे 1000। मयूर विहार में गया तो वहाँ पर 1000 रुपये का पाउच दिया। तो उनकी ये खास करके लाइफ लाइन वाले से मेरी बहस हुई थी, मेरी पर्ची आपको, आप मुझे स्लिप दीजिए 2000 रुपये, आप मुझसे 3000 ले रहे हैं 2000 के। कहने लगे 1000 रुपये आपको रिटर्न जब मिलेंगे जब आप ब्लेड दोगे। जब हम ब्लेड की कीमत दे रहे हैं तो हम ब्लेड क्यों दें? जब हम ब्लेड की कीमत दे रहे हैं तो हम क्यों दें? स्लिप हमें 2000 की दी जा रही है और क्या नाम है, पैसे हमसे 3000 रुपये लिए जा रहे हैं ब्लड बैंक में। जी ब्लड बैंक, वो भी संस्था के द्वारा चल रहा है, उसकी जाँच की जाए, वो संस्था के द्वारा है, उसमें लिखा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और फिर भी वो 3000 रुपये ले रहे हैं। ये तो हमारी, हम लोगों की जो जिनको जरूरत है उनकी तो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बिले धोखाधड़ी चल रही है। मैं योगी सरकार से भी अपील करता हूं कि उसका भी लेसन जरा होना चाहिए संस्था का, जो संस्था द्वारा वो लूट खसोट मचा रखे। वहाँ पे ऐसे जरूरतमंद आ रहे थे कि वो कह रहे थे क्या नाम है, भाई साहब आपने रेट तो ये लिखा हुआ है, ले आप ये रहे हो, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। और खास करके क्या नाम है, इसकी बेबी केयर वाले का लेसन जरा होना चाहिए। ये एक इलाके में इस तरीके से मौजूद है जैसे कोई रिहाइश के लोन में एक मकान में एक बेबी केयर बना दिया जाता है, उसका नर्सिंग होम बना दिया जाता है। ना को वहाँ पर कोई अग्नि व्यवस्था थी, आग बुझाने की जो दमकल की जो सुविधाएं होती है वो कोई सुविधा नहीं थी। एक हाउस के नाम में 15 से 20 फीट मत्थे पे हाउस बना हुआ था, उसके अंदर बेबी केयर था ये, जिसमें स्टाफ भी 4 से 5 स्टाफ था सिर्फ ओनली, और कोई नजर नहीं आता था और ना ही उसमें कोई वैसी कोई साधन लगता है। वहां पे जितनी बार मैं गया हूं उतनी बार मैंने गाड़ी टेम्पू उतरते देखा है सिलेंडरों का। वहाँ पे इतने बच्चे, छोटे बच्चों में कितने सिलेंडर खपत हो जाएगी। वहाँ पे बताया गया, हमें सूचना मिली है कि वहाँ पे सिलेंडरों का गोरख धंधा चलता था। सिलेंडर उतरते थे छोटे में, रिफिल रात को भरते थे वो और रात को वो सप्लाई करते थे। बड़े सिलेंडर जितनी बार भी मैंने देखा है, गाड़ी बड़ा टेम्पू भर के, यानी कि छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी भर के टेम्पू भर के वो सिलेंडर उतरते थे और उसके बाद वो भरे जाते, खाली उसमें लोड करे जाते थे। मैं जितनी बार गया हूँ मैंने हर बार देखा ये। तो उनकी जाँच की जाए, प्रशासन उसकी जाँच करे और खास करके इसके एनओसी चेक कर, एनओसी इसकी रद्द करी जाए, एनओसी किस तरीके से दी गई इसको हॉस्पिटल को। और एक रिहाइश के लोन में और पड़ोसी मकानों में भी आग लगी है और पीछे से एक सरदार जी है कोई संस्था वाले बेचारों ने, उन्होंने बच्चों को बचाया है, चार पांच बच्चे मेरे पे बच्चे बचाया सीढ़ी लगा के। उन सरदार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 5 माओं के बच्चे बचाए हैं, 7 बच्चों की जो माएँ हैं उनके, उनको कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा उनको सदमा होगा, उनको उनकी तरफ से मैं सरकार से अपील करता हूँ उन्हें खास करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो ओनर है, उसका मालिक है, और उस स्टाफ को भी रद्द कर जाए जो जान बचा बचा के भाग गए और बच्चों को मरने के लिए उसके अस्पताल में छोड़ दिया। बस एक बच्चे, एक स्टाफ के लोग नहीं उसमें मरा रहे, एक को खरोंच नहीं आई है, सारे स्टाफ गायब है, सारा मालिक गायब है, स्टाफ गायब है, एक कर्मचारी उसमें एक कर्मचारी नहीं मरा, 7 बच्चे मर गए पर एक कर्मचारी को खरोंच तक नहीं आई है उसके अंदर, ना एक कर्मचारी उसके अंदर मौजूद हुआ, सब अपनी जान बचा के भाग गए, छोड़ गए बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। और नहीं चाहते तो वो बच्चों को बचा सकते थे, पीछे वाले उसमें रूम में डाल सकते थे बच्चों को, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। जो बच्चे पीछे की तरफ थे उन्हें बचा लिया गया, उन्होंने बेचारे सरदार जी ने उन्होंने बचाया, उनके जो साथ लोग लगे हुए थे उन्होंने खिड़की तोड़ के बता रहे हैं उन्होंने बचाया, उन्होंने वही बच्चे बच पाए हैं जो आगे तरफ बच्चे थे, 6-7 बच्चे जिसमें हमारा बच्चे भी शामिल है और भाइयों के भी बच्चे शामिल है और माओं के भी बच्चे शामिल हैं। वो बच्चे क्या नाम है टोटल ही एंड उनके क्या नाम है इंतकाल हो चुका है, डेथ हो चुकी है। मैं सरकार से आपके न्यूज़ के माध्यम से अपील करता हूँ कि क्या नाम है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन्हें कड़ी सजा दी जाए, दंडित की जाए। आपको ये चीज़ जब जैसे आप यहाँ सुबह से आए हुए हैं, कितने बजे आ गए थे आप लोग यहाँ? हम करीब 12 बजे से वहाँ पे, 12 बजे उधर पहुँचे हम, पहले वहाँ पहुँचे बेबी केयर पे पहुँचे हम। वहाँ जाकर हमने देखा तो नक्शे चेंज हुए हुआ पूरा, जब वहाँ से हम भागा दौड़ी जब हमने देखा तो ब्लास्ट हुए हुआ पूरे में, आसपास के मकान भी उसके, वहाँ जिस मकान में तो हुआ है उसके आसपास के 2 मकान भी ब्लास्ट हुए। खुद देख कर आया हूँ आसपास के मकानों में भी, मकान भी हो जिसमें से। अब जब हम वहाँ पहुँचे मैंने कहा अपने बच्चे की खबर लें हम, कहाँ पर हमारा बच्चा है नहीं, वो तो वहाँ के वो कोई आए हुए थे क्या नाम है मोनू भाई, आम पार्टी से, आप पार्टी से जो खड़े हुए हैं मोनू भाई आए हुए थे, तो मुझे वो लेके गए फिर वहाँ अंदर, वहाँ पे उनके साथ में वो भी थे क्या नाम है SHO, नहीं एक और थे दूसरे, कोई बड़े वो अधिकार कोई बड़े वो थे नेता, तो वो लेके मैं वहाँ बोले जाकर आप वहाँ देख लो 5 बच्चे जो बचे हैं। मैंने 5 बच्चों वहाँ काउंटर पता करा तो बोले आपके नूरजहाँ नाम के कोई नहीं, तो वो बोले आप GTB जाओ, GTB आपने अपने बच्चे थे आपके वहाँ पे बच्चे शिनाख्त किया, शिनाख्त करी तो वहाँ वही है अभी लेकिन बॉडी आप बॉडी नहीं दी। बहुत बड़ी लापरवाही है ये, बहुत बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल की।
पाँच से सात बच्चों की जान गई है, और भी बहुत बड़ा नुकसान है, वहाँ पड़ोसियों का भी नुकसान है। तो मैं आपके द्विवेदी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो लल्लन टॉप, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कड़ी से कड़ी इस पर इंक्वायरी करवाएं। भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जितिए इतना बड़ा नुकसान है, नुकसान वापस तो आने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम इन हॉस्पिटलों पे लगाम लगनी चाहिए। जो लूट मचा रखी है, जो गरीब आदमी और खून चूस रहे हैं, जो गरीब आदमी कपड़े उतार रहे हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये रोज ले रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कड़ी से कड़ी भारत सरकार, स्टेट सरकार इन पर कार्रवाई करे। कोई अग्नि का साधन नहीं था वहाँ पे, आग बुझाने का कोई साधन नहीं था, फायर इसके फायर का कोई उसमें कोई इसमें लगाव नहीं था कुछ भी, जो फायर का उसमें आग बुझाने का सिस्टम हुआ था उसमें कोई सिस्टम, उन्होंने कॉल करा था मुझे नेहरू विहार से कॉल करा था। अच्छा, आपने परिवारी जनों को फोन करके बताया? हाँ, मैंने न्यूज़ में देखा था सुबह 10 बजे 10:30 बजे। आप कहाँ रहते हैं? मैं मुस्तफाबाद नेहरू विहार। अच्छा, आप लोग सब वहीं से हैं? नहीं नहीं, मैं गांधीनगर। मैं इनसे 3 दिन से पीछे पड़ रहा था, मैंने कहा रेफर करा लो यहाँ से उधर ले चल रहे हैं, बिल बना रहे हैं, तो ये कल इलेक्शन पड़ गया इस वजह से नहीं कराया, क्योंकि बच्ची से मिलने को दे नहीं रहे दोपहर के टाइम 5 बजे। आज ये जाते तो इन्हें पता भी नहीं था, सुबह न्यूज़ देखी मैंने 11 बजे, तो जब न्यूज़ के अंदर दिखा वहाँ का, फिर मैंने इन्हें कॉल करा, मैंने कहा बेटी के पास गए हो आप? नहीं गए। तो ये कहने लगे बेटी के पास मैं भी नहीं गया। मैंने कहा न्यूज़ देखो आप पहले, मैंने इन्हें डायरेक्ट बता ही नहीं, मैंने कहा पहले न्यूज़ देखो, ऐसे ऐसा हादसा हो गया। अच्छा, दोपहर की बात है, आज की 11 बजे की। तो फिर ये रात 11 बजे हादसा हो गया था, सुबह 10:30-11 बजे मैंने कॉल करी ना, फिर ये भाई के पास गए, इन्होंने जाके फिर हॉस्पिटल जब आए ना, जब आके देखा तो सारे वहाँ से फरार थे, किसी ने ना बताया ना किसी ने खबर, वहाँ से उन्होंने कह दिया कोई कॉल नहीं अभी तक, उन्होंने कह दिया यहाँ पे चले जाओ जी टीवी मॉर्चरी में, वहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे आके भी शिनाख्त के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, और उसके बाद क्या कहते हैं ना DNA उसकी पोस्टमार्टम के लिए लिखवा के ले गए, साइन करवा के, जब शिनाख्त नहीं कराई, पोस्टमार्टम किस चीज़ का करा रहे हो तुम? अभी शिनाख्त नहीं कराई, आप उसके बाद कराइए जब हम अटके हैं ना, जब अटके हैं जब उसके बाद शिनाख्त कराइए। बच्चों के चेहरे जले हुए हैं, ना टैग लगे हुए हैं, बच्चों को कैसे पहचानोगे आप किसके बच्चे हैं? ये तो हमारी बेटी की थोड़ी सी हमें पहचान थी, 15 तारीख से एडमिट है, जो हमें पता था 12 दिन से, जो हम पहचान रहे थे थोड़ा बहुत, जो हमें देखा तो फेस उसका कम जला हुआ है, तो इसलिए हमने पहचान भी लिया। दूसरे बच्चे हैं उसके पूरा चेहरा जला हुआ, कैसे शिनाख्त करोगे आप? किसी से पहचान ही नहीं हो पा रही, और ना करने दे रहे। जब उनसे कहा है ना कि पोस्टमार्टम कर रहे हो तुम बिना शिनाख्त के, जब करने दिया, उन्होंने दिखाने दिया, वो भी दिखाने बड़ी मुश्किल से कहने सुने पे इन्हें भाई साहब को, और इन्हें भेजा दो दिनों को, उसके बाद ना फोटो खींचने दिया एक भी, ना पता करने दिया, ना टैग लगा बच्ची के वहाँ पे, ना कुछ ही नहीं पता वहाँ पे, ये हिसाब है अंदर, ना कोई अभी तक बताने आ रहा है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, ऐसे बच्ची आपको मिलेगी या कैसे क्या होगा। संपर्क किससे कर रहे हैं आप? कोई नहीं संपर्क, गार्ड वार्ड था वो आईओ आए हुए थे विवेक बिहार के, उनसे कहा था तब उन्होंने शिनाख्त के लिए थोड़ा सा भेजा था जब बात। अभी जैसे जा रहे हैं चली गई यहाँ से, तो अभी किससे संपर्क कर रहे हैं? खड़े हुए वहाँ पे मोर्चरी के बाहर जो गार्ड खड़े, हाँ बस, वो क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं। DM आई थी, DM से कहा तो DM भाग गई यहाँ से, पत्रकारों ने DM साहब से, वो तो एकदम से मैं पहुंचा इतने एकदम से गाड़ी में, उन्हें पुलिस ने सिक्योरिटी देकर अंदर बिठा दिया गाड़ी में, और एकदम चले गए। अभी हम देखने जा रहे थे जब भी सारे पुलिस वाले आ गए थे, बड़ी जाने मुश्किल से, बहुत जाने इन्हें बाप को जाने दिया, बड़ी मुश्किल से जाने, देखने तक नहीं दे रहे बच्ची का चेहरा अंदर मोर्चरी में, हमें पता ही नहीं सही वाले बच्चों में हमारी बच्ची है या यहाँ पे है, बस तुक्के से कह दिया जाए तुम्हारी बच्ची एक्सपायर हो गई। हम भैया हम देखेंगे शिनाख्त कर लीजिएगा अब, हाँ शिनाख्त नहीं करवाई, जब हमने बहुत ज़्यादा कहा, जब शिनाख्त कराई है, जब हमें पता चला कि बच्ची हमारी एक्सपायर हो गई, उससे पहले साइन करवा लिए सारे कि पोस्टमार्टम के सारे सब कुछ पहले करा लिए थे दिखाने से पहले, हाँ बिना शिनाख्त से पहले। बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है अस्पताल में, बहुत ज़्यादा, कम नहीं, बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी कोई परवाह नहीं कर रहे, सब हो कुछ जेब गर्म हो जाए कुछ हो जाए, दलाल बन चुके हैं, रिश्वतों से काम चल रहे हैं, कोई वो नहीं है जो है इस काम को अंजाम तक पहुँचाना है। आप दादा हैं बच्चे? जी मैं दादा हूँ। तो मेरा कहना यह है कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मोदी सरकार तक, मोदी तक, और ये तुम्हारे गुजराल ये हैं केजरीवाल, इन तक पहुंचाएं आप ईमानदारी के साथ, जो सच्चाई देख रहे हैं, जो 7 बच्चों की जो डेथ हुई है, वो सभी को दुख है, हमें भी दुख है, अपनों का भी दुख है, उनका भी दुख है भाई। ये तो जिसका परेशान और किस परेशानी से गुजर रहे थे लोग, पैसा धेला किस तरह से जमा कर रहे थे लाला के, ये तो वो जाने, घर में तो रखा होता नहीं है। अच्छा कितना पैसा यहाँ पर आप लोग दे रहे थे बेबी केयर सेंटर में प्रति? लगभग 15,000 पहले जमा कर लिए, फिर 12,000 15,000 ब्लड अलग, वाइट अलग, ये देखो पूछो लड़का क्या बता रहे आप।
हाँ, और जो बच्ची की माँ है उनका तो 15 तारीख को आप बता रहे थे क्या? वो तो गुप्ता नर्सिंग होम शादरा ऑपरेशन हो गया, 3 दिन रह करके वो घर पर ले गए, उसे घर पर चली गई, वो घर पर उसे पता भी नहीं है अभी। अरे 1 लाख रुपए यहाँ जमा कर चुका हूँ। आपने तो बच्ची को देखा भी नहीं था? नहीं, मैं देखे, मैं तो गाँव वहाँ से आया हूँ, गाँव से जहाँ मेरी जन्म स्थल है, जहाँ मेरी पैदाइशी जगह हूँ, मकान है, मैं वहाँ रहता हूँ। मेरे दर्द है घुटनों में, मैं तो सुन करके, इन्होंने जैसे बच्चा रोया और मुझे बताया, मैं फौरन गाड़ी से भगा चला रहा हूँ। मैं गढ़गंगा साथ सुना हो तुमने, गढ़गंगा है तीर्थ यात्रा है, वो जगह है, तो वहाँ से आया हूँ मैं। दादा हूँ, ये इसकी बिटिया है, ये बड़ा पापा है, ताऊ है, ये भी सब अपने हैं, सब अपनी है, ये यार दोस्त में यहाँ सारे परिवार अभी मौजूद है। अच्छा, हमारा कहना सर ये है कि सच्चाई के साथ इनको पूरा पूरा दंडित किया जाए। आप उठाएंगे ये बात? बिल्कुल बिल्कुल, माध्यम से चलेगी ये बात, और ऐसे नर्सिंग होमों की जांच होनी चाहिए। हाँ, जो इसके नवीन जो डायरेक्टर हैं इनके, मैं चाहता हूँ उन्हें फांसी की सजा दी जाए, उन्हें सीधी क्लियर, क्योंकि 7 बच्चे गए हैं, 7 बच्चों में चाहता हूँ डायरेक्टर जो वहाँ से भागे हैं नवीन, उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि मेरी बच्ची भी गई है और बच्चे भी साथ गए हैं साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि सबके माँ बापों के साथ मिलकर, मैं उनके साथ मिलकर सबका अपील करता हूँ कि उनको फांसी की सजा दी जाए। मोदी सरकार से अपील करता हूँ, और योगी सरकार जो ब्लड बैंक ने हमें लूटा वहाँ पे, जो अरे नहीं दो जो जो सच्चाई है वो बोलना है, जो माँ उन्होंने हमें 2000 का खून 3000 में दिया, योगी सरकार से भी मैं डिमांड करता हूँ, और दिल्ली प्रशासन अरविंद केजरीवाल से मैं डिमांड करता हूँ कि लेके जो हमारे बच्चों की वहाँ पे अल्लाह को प्यारे हो गए 7 बच्चे, जिसमें ना कोई हिंदू मुसलमान इससे कोई जिक्र नहीं है, सब जो सब बच्चे मरे हैं वो सबके माँ बाप सब एक बराबर हैं, ठीक है। उसमें से 7 बच्चों के माँ बाप की तरफ से मैं अपील करता हूँ कि 7 बच्चों की तरफ से नवीन जो उसके डायरेक्टर हैं, उसके क्या नाम है अस्पताल के, हाँ मालिक बेबी केयर के, उनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे उन्हें आने वाली पीढ़ी तक को याद रहे कि किस तरह का गोरख धंधा सिलेंडरों का ये करने के बाद ये यहाँ अपने बच्चों से जान से खिलवाड़ करा इन्होंने। तो मैं चाहता हूँ साथ अरविंद केजरीवाल से भी और पीएम से भी अपने कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ सुने, हम गरीब और मजलूमों की आवाज़ सुने, जिस तरह से उनको सबको फांसी की सजा दी जाए जो जो इनमें शामिल है, और जो वहाँ का जो स्टाफ है जो हमारे बच्चों को जलतावा छोड़ के भागा है 11 बजे रात में हादसा हुआ है, और हमें अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, मैं उनको भी चाहता हूँ कि उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उम्र के तक की सजा की अपील करता हूँ उनके लिए। 5 जो लेडीज भी हैं वहाँ पे, जो लड़की है उनका, जो मेरे पे उनके बिल लेंगे, उनके नाम लिखे हुए हैं सबके मेरे पास, उनके भी, और जो जो वहाँ पे जो लड़के जो काम करते हैं उनको सबको भी उम्र कैद की सजा दी जाए 5 को। और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और जब तक चाहे मुझे अपना मकान बेचना पड़े या कुछ बेचना पड़े, कुछ भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं उसके लिए पूरी तैयार हूँ, मैं सब चीज़ बेचने के लिए तैयार हूँ, मगर अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की मैं गुहार करता हूँ। अरविंद केजरीवाल से भी मेरी खास तौर पे अपील करता हूँ, जो अभी आए हुए हैं 1 तारीख को फिर चले जाएंगे जेल में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सुने वो, और जाके अपना आगे अपने बच्चों के माँ बाप से मिले, वो भी अभी तक नहीं आए यहाँ पे, जो कोई ना उनका कोई भी स्टाफ का, उनका भी कोई भी, जो वहाँ से जो विधायक हैं मोनू खाली वहाँ पे, वो सांसद जो हैं जो अभी खड़े हुए हैं उसमें गठबंधन, हाँ 85, वो खाली वहाँ पे थे, बाकी अभी तक अरविंद केजरीवाल के कोई वहाँ से कोई नहीं आया, जबकि उससे पहले तो अभी बीच में वहाँ पे हमारे कांति नगर में उन्होंने गए वहाँ पे खूब स्टेज शो करा, सारे काम करा अपने चुनाव से पहले, चुनाव से पहले भी 25 तारीख से ये आए थे अभी बीच में भी, तो वहाँ पे खूब प्रचार करा, खूब धमाकेदार प्रचार हुआ, सब हुआ, उसकी भी मेरी भी वीडियो नहीं रहेगी, मगर अभी बच्चों के लिए प्रचार के लिए टाइम नहीं है, जिसकी दुनिया से चले गए 7 बच्चों के लिए उन पर केजरीवाल पर टाइम नहीं है। और फिर मैं चाहता हूँ पीएम भी इस बात को सुने, और जाके हमारी बवाद जल्दी से जल्दी उठाई जाए, और जिससे कानून की हमारी इनको सबको कड़ी सजा दिया, पूरे स्टाफ को, खास करके मैं ललन टॉप की तरफ से अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि इस पूरे ही कांड का छानबीन की जाए, और ऐसे अस्पताल गोरख धंधा जो चला रहे हैं, ऐसे नर्सिंग होम बेबी केयर जिसमें ना ही कोई व्यवस्था है अग्नि की, आग बुझाने की, ना ही स्टाफ की वहाँ पे कोई व्यवस्था है, और वो पूरे ब्लैक में नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं पब्लिक से, और 2021 में इस पर मुकदमा भी डला हुआ है एक बेबी केयर पर, इसी हॉस्पिटल पर एक मुकदमा 2021 से पड़ा हुआ है मुकदमा किसी दूसरे सदस्य का, तो इसकी जांच की जाए। और मैं खास करके लल्लन टॉप से पूरी उम्मीद लगाए हुए हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ खास करके लल्लन टॉप से कि इन गोरख धंधे वालों की धरपकड़ की जाए, और पूरी जांच की जाए, और ये जितनी भी हमारी कार्रवाई है टोटल मोदी सरकार को दे दी जाए, जिससे वो मोदी सरकार से, मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, सबका विकास सबका साथ और सबका विकास कहते हैं, अब हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे,
अब ये दुख की घड़ी में हमारे कोई भी मंत्री, कोई भी क्या नाम पार्षद या कोई भी क्या नाम है हमारे जिले का मुख्यमंत्री, कोई भी हमारा पार्षद या कोई भी हमारा कोई अभी तक हमारे पास मिलने तक नहीं आया है। एक न्यूज वाले हमारे पास आए हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, न्यूज वालों का, सारों का, जो भी हर न्यूज वाला हमारे पास आया हुआ है और वो हमारे दुख की घड़ी में साथ है जो न्यूज वाला, और क्या नाम है, और कोई भी सरकार का सदस्य है पुलिस के अलावा हमारी कस्टडी हमें घेरने के लिए, सिर्फ एक पुलिस का इंतजाम कर दिया गया है जिससे ये लोग क्या नाम है कोई हमला ना कराएं या कोई बगावत ना कराएं या कोई क्या नाम है कुछ ना कराएं। पुलिस को हमारे ऊपर बिठा दिया गया है, हम लोगों पर दहशत बिठाने के लिए, जिससे ये क्या नाम है जरा सा भी भड़के नहीं, और कोई भी प्रशासन का आदमी और क्या नाम है ना कोई नेता कोई भी हमारे पास हमारी सुनने के लिए नहीं आया है। मैं खास करके लल्लन टॉप से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खास करके उनकी धड़ पकड़ की जाए, जो माँ का ओनर है बेबी केयर का और क्या नाम है जो स्टाफ है जो बच्चों को छोड़ कर भाग गया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, थैंक यू करता हूँ सरदार जी का जिन्होंने बच्चों को अपने बच्चे समझ कर उनकी उनकी मदद की है, उन्हें उसे अग्निकांड से निकाला है। मैं उनकी उस टीम को और उस अग्नि क्या नाम है कर्मचारियों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उन बच्चों को निकाला है अंदर से, जो बच्चे जिनकी माओं के बच्चे बच गए हैं, जिन माओं के बच्चे चले गए हैं, मैं उन बच्चों की दुख माओं के साथ दुख में शामिल हूँ, उनके बापों के साथ हूँ, उनके परिवारों के दुख के साथ शामिल हूँ, और खास करके अपील करता हूँ कि आप खास करके हमारी क्या नाम है जो हमारी बातें हैं हमारी जो अपील है वो मोदी जी के पास पहुँचाई जाए। बिल्कुल, हम आपका वीडियो चलाएंगे जो भी जहाँ तक है आपकी बातें बिल्कुल पहुँचेगी। बाबा आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, बस इतना ही कहना है बेटे, सच्चाई के साथ वहाँ तक बात पहुँचाई जाए और इसकी पैरवी की जाए सच्चाई के साथ, और जो हमारे सभी का जो दुख है उसे आप कैसे जाहिर करेंगे वो तो आप करेंगे, या आंसू दिखाएं हम बहा के? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। ये जो भी माएँ हैं जिन्होंने जन्म दिया है बच्चों को और जिनके इंतकाल या डेथ हुई है, आप उनसे पूछें या उनको खर्चा किस तरह से बर्दाश्त किया है उन्होंने, किसी के घर में नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। बाकी तो यह है कि ये आपके माध्यम से ये बात केजरीवाल तक, मोदी तक, हमारे जो प्रधानमंत्री है वहाँ तक आपका काम है पहुँचाने का सच्चाई के साथ, और दंडित किया जाए उन लोगों को, दंडित किया जाए, और सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल, बच्चा छोटे से ही बड़ा होता है, हम भी छोटे कभी पैदा हुए होंगे, आप भी पैदा हुए होंगे, सभी ये तो समाज है, इसमें यही तरीका है, छोटे से बड़ा होता है, दुख तो बड़े का भी होता है छोटे का भी होता है, नो बच्चा था जी मर गया क्या हो गया क्या हुआ, होता ही छोटे से बड़ा है, जिसमें अच्छे और बुरे सब पैदा होते हैं। अभी आंटी साथ में आपके क्या? ये बिटिया है बड़ी? अच्छा, आपके साथ बहन है ये? अच्छा, आपकी बहन? हाँ, ये बुआ है, बच्ची की बुआ है। सभी लोग परेशान हैं, पूरा परिवार आया हुआ है, और क्या नाम है इसकी जांच ये होनी चाहिए कि इसकी एनओसी की, इसके लाइसेंस की, और इसके जो इसकी सुविधाएं इसके पास मौजूद नहीं थी उनको सब पे जांच होनी चाहिए, और भी जो भी नर्सिंग होम है उनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा कांड दोबारा ना हो, किसी के साथ किसी की माओ के बच्चों की गोद ना उजड़े, और मैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और मोदी जी कोई जांच बिठाए इस पे, और मोदी जी से हमें पूरी उम्मीद है हमारे। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी जांच के लिए बोला है कि जांच इसकी होगी। जी जी, दिल्ली सरकार ने बोला है उसकी जांच होनी चाहिए, और हम मरते दम तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम उसके उस पर केस लड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और उसके खिलाफ केस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने परिजनों को सुना कि परिजनों का ये कहना है कि अभी हालांकि शव उनको नहीं सौंपे गए हैं, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने बोला है कि इसकी जांच होगी, परिजनों की मांग है इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उन्होंने फांसी की भी मांग की है, प्लस उनकी अपनी अपनी मांगें हैं। फिलहाल अभी हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, शवगृह के बाहर हम हैं यहाँ पर इस समय सातों बच्चों के परिवार यहाँ मौजूद हैं, हमने दो बच्चों के परिवारों से बात की, सात बच्चों के परिवार यहाँ सभी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सभी लोग परेशान भी हैं, लगातार खबर लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और उनका कहना है कि वहाँ पर भी उनको जानकारी देने के लिए केवल गार्ड मौजूद हैं, दूसरा कोई अभी प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सभी के अपने अपने आरोप हैं, लेकिन परिजन काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं। इस खबर पर मैं, मेरे साथी नावेद लगातार बने हुए हैं, आप देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप।